हेलो दोस्तों, मैं हूं जामिन खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जामिन इलेक्ट्रीशियन। आज हम आपको गीजर के पार्ट उसकी वायरिंग के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारा गीजर है, जो ब्लू रंग की पाइप दिख रही है। इधर से पानी गीजर में जाता है, जो रेड कलर की है। इधर से गर्म पानी बाहर निकलता है। ये गीजर का एलिमेंट है, इसका काम होता है कि पानी को गर्म करना। ये गीज़र का थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का ये काम होता है कि पानी का टेम्परेचर जितना सेट रहता है, वो अपना टेम्परेचर आ गया है तो एलिमेंट की सप्लाई को बंद कर देता है। ये हमारा ओवरहीट कट ऑफ है, जो गीज़र में लगा होता है। जब भी हमारा थर्मोस्टेट ख़राब हो जाएगा, उस कंडीशन में पानी ओवरहीट होने पर इस सप्लाई को कट कर देगा और रेड इंडिकेटर जल जाएगा। गीज़र में जो ग्रीन इंडिकेटर लगा होता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि गीज़र अभी हमारा ऑन है। गीज़र में जो रेड इंडिकेटर लगा होता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि गीज़र में सप्लाई आ रही है। अब हम चलते हैं कनेक्शन की तरफ।